नमस्कार, बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में मैं भाग्यश्री आपका स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद हापुड़ में 765 केवी की लाइन को क्षेत्र के किसानों के खेतों में बिना परमिशन खंभा गाड़कर लाइन खींचने के विरोध में आज किसानों ने एसडीएम सदर को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि जनपद हापुड़ के किसानों के खेतों में 765 केवी की लाइन बनाई जा रही है। किसानों का मानना है कि इस लाइन के लगने से किसानों के खेतों पर आजीवन कब्जा हो जाएगा और किसान उस भूमि को बिक्री नहीं कर सकता तथा किसी प्रकार का स्थायी निर्माण नहीं कर सकती तथा लाइन के आसपास की भूमि पर लाइन खड़ी हो जाने के कारण किसान किसी भी प्रकार के प्रयोग नहीं कर सकते। वहीं मीडिया से बात करते हुए किसानों ने बताया कि लाइन बनाने का कार्य प्राइवेट कंपनी का है जो किसानों को गुमराह कर उत्पीड़न करने का काम कर रही है। वहीं किसानों ने एसडीएम सदर को अवगत कराते हुए कहा कि प्रभावित किसान प्रभावित भूमि की क्षतिपूर्ति का मुआवजा तय होने के बाद ही आगे का कार्य किया जाएगा। किसानों के बीच बैठक कर किसानों को लिखित में समझौता होने के बाद ही आगे कार्य होगा, अन्यथा किसान एक बड़ा आंदोलन कर कार्य को रुकवाने का काम करेंगे। वहीं एसडीएम सदर सत्य प्रकाश ने बताया कि जल्द ही किसानों की समस्या का समाधान कर उन्हें उचित मुआवजा दिलाने का काम किया जाएगा। क्या नाम है? मेरा नाम पवन होना है, भारतीय किसान भानु से जिला अध्यक्ष हूँ। आज जो एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपा, किस मामले में सौंपा, क्या मामला? मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो किसानों को खेत में हाई टेंशन की लाइन गुजरती है तो बिजली की बड़े बड़े खंभे लगे होते हैं, इन्होंने क्या रूप बना रखा है, किसानों के खेतों में खंभे बगैर किसान की सहमति के गाड़ रहे हैं और पैसे की बात नहीं कर रहे हैं और किसानों को टरका धमका के उनका कागज पर साइन करा रहे हैं। इसी रूस में हमने यहाँ एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है, अगर किसान की बात नहीं मानी जाएगी तो हम भी जो जाति कर रहे हैं, हम भी जाति करना जानते हैं। तो एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम साहब ने हमें विश्वास दिलाया है उसी बात पर मैं कार्रवाई करूंगा, जो किसान का असर की लेट से मुआवजा मिलेगा उसका मुआवजा दिलवाऊंगा, उसके बाद ही किसान के खेत में खंभा गड़ा जाएगा। बीसीएन न्यूज के लिए हापुड़ से अनिल कश्यप की रिपोर्ट। स्टेट होने के बावजूद भी पीड़ित के जमीन पर किया जा रहा है दबंगों द्वारा अवैध कब्जा। पूरा मामला सरपताहा थाना क्षेत्र के उचगांव का है, जहां पीड़ित सुरेश गौतम की जमीन पर उनके दबंग पड़ोसी अजय किशुन चौथी द्वारा पीड़ित की जमीन जबरन कब्जा किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि उनकी जमीन पर जबरन उनके दबंग पड़ोसी द्वारा मकान बनाया जा रहा है। पीड़ित द्वारा तुरंत 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर 112 पहुंचकर दोनों पक्षों को थाने ले आई। वहीं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस जांच में जुटी है। गौरतलब हो कि पीड़ित की जमीन का न्यायालय द्वारा स्टेट होने के बावजूद भी पीड़ित के जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किया जा रहा है। क्या मामला है आपका? जमीन का मैटर है सर। जमीन का मैटर है, कैसा मैटर है, क्या मैटर है? चक है, चक परे है, शामिल ज्योतावादी बाबा का नाम से है सर। क्या नाम है आपके बाबा का? हमारे बाबा का नाम अलगू नाम है, पिताजी का नाम हंसला प्रसाद है। मैटर ये है सर, न्यायालय मुकदमा चल रहा है, स्टे भी लिए हैं और स्टे के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी एक पैसे की। हाई कोर्ट मुकदमा डायरेक्शन भी चल रहा है सर। विपक्षी क्या कर रहा है? विपक्षी सर उसने घर बना रहा है, घर बना रहा है जी। क्या नाम है उसका? किशुन चौथी अजय। प्रशासन को आपने सूचित किया था? हाँ सर, प्रशासन को हमने सूचित किया था सर। 100 नंबर आती है सर, मना करने के बावजूद भी वो मानती नहीं है। थाने पे क्या प्रकरण है सर? वहाँ पे दबा पड़ने की वजह से कोई आ नहीं रहा है सर। आपका आरोप है थाने से कोई नहीं आ रहा है? नहीं सर। आपका चेक संख्या कितना है? 760 है सर। 760। क्या नाम है? सुरेश कुमार गौतम सर। थाना जिला बताइए। जिला जौनपुर, तहसील सागन, थाना सरपताहा थाना। बीसीएन न्यूज के लिए सरपताहा जौनपुर से ऋषभ तिवारी की रिपोर्ट। बीसीएन न्यूज की प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। अन्य खबरों से हम आपको यूं ही रूबरू करवाते रहेंगे। देखते रहिए बीसीएन न्यूज। नमस्कार।